गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और आज आपको तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है देव उठनी एकादशी, तो आज तुलसी जी का विवाह है। जी हाँ, और घर में हो रही है बड़ी पूजा बुआ की तरफ, तो वो भी देखेंगे। साथ में आज एकादशी का उपवास है, तो आज मैंने भी रखा है। वैसे मैं रखती नहीं हूँ ज़्यादा एकादशी, बट आज क्योंकि बड़ी एकादशी है तो मैंने सोचा कि चलो सब लोग रख रहे हैं, मतलब बहुत लोग हैं आज घर में, तो मज़ा आएगा और अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने भी रख लिया। और कल भी व्रत था, मंडे था, तो सर तो अभी से थोड़ा हैवी हैवी हो रहा है यहाँ से एक्चुअली थोड़ा सा, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, पूरा दिन कैसे निकलता है। और ज़्यादा मैं रखती नहीं हूँ एकादशी, तो इतना ज़्यादा मुझे पता नहीं है क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। जैसे सब करेंगे ना वैसे कर लेंगे, बाकी पूजा भी करेंगे और वो सब जितना हो सका उतना शूट करूँगी और आपको शेयर करूँगी। तो चलिए हैप्पी एकादशी, हैप्पी तुलसी विवाह, चलो शुरू करते हैं आज का दिन। तो गाइज, आज एकादशी पे, मतलब वैसे देखो डेली होती है पूजा शालिग्राम जी की, और मम्मी जी करते हैं इनको नहलाना, भोग लगाना। भोग मैं बना देती हूँ, भोग लगाते हैं मम्मी जी हैं, बट आज सोचा एकादशी है तो आपके साथ शेयर करा जाए। और आज ना नया सिंहासन इनके लिए लेकर आए थे, तो वो भी आज एकादशी पे इनको नए सिंहासन पे हमने बैठाया, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। मतलब जो मंदिर है ना वो ही अलग लग रहा था, एक छोटा सा सिंहासन रखते ही। मम्मी जी ने शालिग्राम जी को नहला दिया, उसके बाद मैंने पूजा स्टार्ट करी। मैं शालिग्राम जी को नहीं नहलाती हूँ, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि लेडीज़ जो जिनको पीरियड्स होते हैं वो लोग शालिग्राम की पूजा नहीं कर सकते, उनको छू नहीं सकते। बट मतलब होता तो ये है कि आदमी लोग करो, घर पे जो भी आदमी हैं वो कर सकते हैं, बट आपको तो पता ही है आदमी लोग कितना ही करते हैं नहीं कर पाते, तो इसलिए मम्मी जी कर लेते हैं और बस वही भोग लगा देते हैं। तो पहले मैं सारी जो भगवानों की पूजा है वो कर रही हूँ, उसके बाद मम्मी जी पूजा करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे बेला जो है वो तोरण लगा रही थी सारे घर के जो भी बाहर का साइड है वहाँ पे। और ये देखिए यहाँ पे तुलसी जी को पूरा तैयार करा जाएगा तुलसी विवाह के लिए। तो यहाँ पे देखो पहले ही ओढ़ना उड़ा दिया था, लेकिन बाद में इनको वापस अच्छे से किया जाएगा। देखो यहाँ पे ना इनको एक मंडप टाइप लगा दिया जिस पे ओढ़ना लगाएंगे, तो उसके लिए ना पूरा एक तीन लकड़ी ली और वो यहाँ पे लगा दी। और फिर उनके उनको ना नाल, मतलब जो मोली होती है ना वो बांध कर उनको सिक्योर करा गया ताकि वो गिरे नहीं। और तुलसी जी के हाथ बनाए गए इस तरीके से एक लकड़ी से, जिन पे कंगन पहनाएंगे। और सारे देखो लड्डू गोपाल और जितने भी शालिग्राम जी थे सबको यहाँ पे लाके बिठा दिया पूजा में। और अभी पूजा होएगी तो उसके लिए ही तुलसी जी को तैयार करा जा रहा है। तो बस अच्छे से फिर पूजा हुई और यहाँ पे पंडित जी सारे जो विधि विधान हैं वो बता रहे हैं। और बुआ और फूफा जी बैठ गए हैं पूजा में। पहले तुलसी जी को इस तरीके से ना लहंगा पहनाया गया एक ब्लाउज पीस से, और उसको लहंगे के तरीके से इस तरीके से बना दिया। और फिर उनको जो ओढ़ना है वो लगाएंगे, और फिर कड़े पहनाएंगे, जितने भी सुहाग की चीज़ें हैं वो देंगे। और उसके बाद उनको एकदम दुल्हन जैसा बना दिया, माला पहनाई, और काफ़ी मतलब ऐसे देख के लग रहा था कोई दुल्हन बैठी हो, बहुत ही ज़्यादा प्यारी वो लग रही थी। हमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था तुलसी जी को इस तरीके से देखकर, क्योंकि हमने कभी भी उनको ऐसे तैयार नहीं करा। जब भी हम घर पे तुलसी विवाह करते हैं तो इस तरीके से ना तैयार करके बहुत ही ज़्यादा प्यारी वो लग रही थी। और फिर ऐसा लग रहा था कि यार हर बार ऐसा ही करना चाहिए और ऐसे ही तैयार करना चाहिए, बट देखते हैं इस बार तो इस तरीके से तुलसी जी तैयार हुई हैं। देखो ओढ़ना उड़ा के ऐसे लग रहा है घूंघट निकाल के कोई दुल्हन बैठी है, बहुत ही प्यारी बहुत ही सुंदर लग रहे थे। तभी ना इनको इस तरीके से कड़े पहनाए गए, मतलब कड़ों को भी ना मोली से बांध कर, और फिर जो हाथ लगाए थे ना उनके बांध दिया, और इस तरीके से फिर सुहाग की चीज़ें दी गई। और फिर यहाँ पे बिठा देंगे इनको ताकि अच्छे से इनकी पूजा हो, तो इस तरह फिर यहाँ पे बिठा दिया। और ये लीजिए फिर यहाँ पे पूजा हुई और उनका विवाह हुआ इस तरीके से।
आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है ना, पूरा सजकर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। सब लोग यहाँ पे बैठ के गीत गा रहे थे और सब लोग देख रहे थे किस तरीके से पूजा होती है। पूरा यहाँ पे हवन का बना दिया। तो गैस आरती हो गई और यहाँ पे हवन की तैयारी होने लगी है। और यहाँ पे ना पंडित जी पूरा इस तरीके से उनके अपने कुछ मंत्र हैं वो बोलते जा रहे हैं, और फिर उन्होंने यहाँ पे शुरू किया हवन के लिए अग्नि दी। उसके बाद जितना भी जो भी सामान होता है वो रखा। बीच बीच में सब आ रहे थे, मैं वीडियो शूट कर रही थी तब मैं मतलब वहाँ पे जहाँ पे गीत गा रहे थे ना सब औरतें, वहीं पे मैं बैठी थी और वहीं से थोड़ा बहुत शूट करने की कोशिश करी, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो मैंने सोचा कि पता नहीं करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बट सब लोग बीच बीच में आ रहे थे तो उनको मैं बोल भी नहीं पा रही थी इस वजह से। और फिर यहाँ पे देखो बुआ जी को तिलक करा जा रहा है, तो वो आरती के लिए उनको तिलक करेंगे और फिर यहाँ पे अग्नि जो है वो लाई जाएगी और फिर हवन शुरू हो जाएगा। ये लीजिए हवन के लिए पूरी अग्नि आ चुकी है और अभी जलाएंगे, फिर जो है वो तैयार होगा और फिर होगी पूजा दूसरी। और वहाँ पे पूजा हो गई थी, अब हवन की पूजा यहाँ पे हो रही है। और बाहर यहाँ पे एकादशी के जो सागर करते हैं वो निकल रहा था और यहाँ पे होते आलू छील नहीं, ये पहले मैं थोड़ा सा आ जाओ कथा आदि सभी तक फल देते हैं जब तक प्रबोधिनी एकादशी आती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की प्रबोधिनी एकादशी के व्रत का फल एक सहस्त्र अश्वमेघ तथा 100 राजकुल में नियम के अनुसार व्रत कम जाएंगे। ग्यारस के दूसरे फिर पुण्य भी थोड़ा बहुत कम जाएंगे, कीड़ी नोड़ो चीजों का भी करो, कन्या जी माओ थानी चाव जो जत्रो भी बनाए तो जो मनुष्य हृदय के अंदर से एक ध्यान करते हैं और भगवान विष्णु को पूरे दिन ही ध्यान रखो, मन श्वास के साथ ही भगवान को विष्णु को ध्यान रखो। प्रबोधिनी एकादशी का व्रत करूंगा और 100 जन्म के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्प से पूजा करते हैं, उन्हें श्वेत दीप इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करने से करके प्रातः शुद्ध जल के नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए और इसके बाद पूर्ति के लिए ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। लक्ष्मी जी की आओ जी तो खीर की थे, उठाओ सब, आप सब उठाओ, अब पूर्ण आओ जी का माना थोड़े दिन पूर्ण आओ जी बात मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वजाय मंगलम मुंडरी का सुनाय तनो हरि अपराध तो घूंघट वाले कोई कोनी अरे घूंघट वाले हाई कोर्ट में तो बांध लांगा अच्छा बांधी हो जो कदम फूल जहा बांध दे रहा है ना, अच्छा अच्छा बांधता दोनों बैठता है और थोड़ा सो हाँ
अच्छा फोटो खिंचवा मुंडो करो अच्छा मुंडो करो हां बढ़िया बढ़िया फोटो दियो दे ना तो फोटो खिंचो पीछा पीछा तो काटो तो आके सादे खिंचो को पाछे बोलियो सामान लोग ना खिंचो के खिंचो खींच ली के नहीं थोड़ी देर और रखो हाथ में हाथ लगाओ ही के मुंडो करो तेलम तो चलो चलो दुल्ला के साथ दुल्ला हमें देख रहे बराती नाच रहे दुल्ला बराती नाच रहे चलो इन्हें दूल्हा ने मना उड़ा दीजिए दे देख चलो सत सयत राम जी रिमक जी अद्वास जी मैं मनसिस ले सांजे पानी बोलया तो थोड़ा सांजे ओ डंगरा राम भरने रूप पानी रो कठन कर न पधारे रे बाबो जी कंठ लगाया जी भरने गई जरदनारो पानी के तोले साए थाने मायड़े मारी तो के दादा दूध का राम भरने गए जल जमनारो पकड़ ना मायड़ मान तुलसा मारे तो नाम दूध कर राम भरण गई ये तोड़े सैतान चंदो भरे सूरज भरे राम भरण गई जल जमना रो पानी चंदा कहो जी राय थान शिवर के साल ग्राम हे रामचंद्र जी बरे हे रमा बरे राहो राम बरे गई जल जमना रो पानी शिव जी कहो जी जतय गणे रितो कौन बुलाए गे पंडित कौन बुलाए गे फेरो लियो भाई तुलसा प्यारा हो राम भरण गई जल जमना रो पानी बुझो फेरो लियो रानी तुलसा प्यारा हो राम भरण गई जल जमना रो पानी तुलसा तो प्यारा गई जल जमना रो पानी पाओ राम भरण गई जल जमना रो पानी। तो बस तुलसी जी का जो है वो विवाह करवा दिया, बाहर भी करवाया शाम को, और उसके बाद फिर से मैंने खाया केला और दूध लिया और उसके बाद सो गए। भूख लग रही थी बट क्या करें, एकादशी थी जी हाँ, एकादशी का व्रत करा था ना, इसलिए थोड़ी ऐसे हो रहा था, बट
तुलसी जी का विवाह करके बहुत मज़ा आया, और शाम को बहुत मज़े करे, और तुलसा है उनको फिर से, मतलब जो बाकी तुलसी जी के जितने भी गमले थे ना उनकी भी हमने शादी करवा दी सालिग्राम जी से, और इस तरीके से इंजॉय करा हमारा एकादशी। कैसा लगा ज़रूर बताना। बाय बाय, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।